यहाँ आने का रीजन ये है कि पहाड़ी भाई को यहाँ लड़की पसंद चाहिए। बल पिताजी लड़की ढूंढने आ रखे हैं। हमने वादा कर रखा भाई, इस बार तो मैं लड़की ढूंढ के आऊंगा। हमने सोचा दोस्त किस काम के, क्या पता हम ही ढूंढ लें। सही बात। तो माँ धारी देवी के मंदिर में आके अलग ही सुकून और शांति मिलती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं श्रीनगर की ओर। पहाड़ी भाई पियो चाय को तो आप जानते ही होंगे, तो उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। बाकी अभी रेडी हो चुका हूँ और एक स्पेशल जगह और हमें जाना है। हम जा भी सकते हैं, आज नहीं भी जा सकते हैं। प्रीति राणा को आप जानते होंगे, तो प्रीति सिस्टर की मेहंदी में जा रहे हैं हम, जो कि प्रियंका योगी तिवारी जी की सिस्टर हैं, छोटी सिस्टर हैं। बाकी ठीक है, आज मम्मी अकेले रहने वाली हैं। साक्षी भी कॉलेज जा रखी है, थोड़ी देर में आ जाएगी, 1-2 बजे। हाँ ठीक है, तब बैठो। अच्छा बाय, ध्यान रखना अपना, हम चलते हैं। ओके जैकी, कहाँ घूम रहे हो तुम? जैकी हेलो, ये हमारा जैकी है। देखो भाई, मैं डॉगी घर पे तो ले आया हूँ, लेकिन जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो घर वालों को परेशान कर देता हूँ, ठीक है खाना खिलाए कि नहीं, क्योंकि घर वाले भी बहुत बिजी रहते हैं काम पे, तो इसकी बहुत याद आने वाली है। बाकी एक जैकी तो हमें छोड़ के चला गया है। लो जी, इसको संभाल के रखो, ऐसे छोड़ रहे हो तुम? कोई बात नहीं, कितना प्यारा लग रहा है ये। इसका नाम जैकी रखना है, कुछ और रखना है तो आप लोग कमेंट में जरूर क्यों। हमारे लगातार जितने भी हम कुत्ते लाए थे, सबका नाम जैकी रखा था हमने। सुन पहाड़ों में देखो भाई, नींबू कैसे हो रखे हैं, आप लोग भी आ सकते हो खाने। पहाड़ों में सारी चीज़ें ऑर्गेनिक रहती हैं। बाकी ये कूलर हमारे पास पहले बचपन में हुआ करता था, जब हम मुरादाबाद रहते थे। अब वहाँ आ गए तो यहाँ कूलर की जरूरत ही नहीं है, इसका पंखा निकाल के हमने रख दिया है। सुन, जो आज का मौसम है बड़ा गजब का है, समझ से बाहर है, कभी धूप तो कभी छाँव। दादी जी भी ना सावन के महीने में ये ख़राब हो गया था पूरा छत, तो बुरुज से रगड़ना पड़ रहा है, इसमें काई जम गई थी। सुबह सुबह सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे निकल चुके हैं, हम लोग ब्लॉगिंग के लिए और घोड़े खच्चर वाले सामान साधने के लिए। गाइस अभी तिलवाड़ा पहुंचा हूं, राजमोहन भाई की शॉप पे मैंने बैग रखा हुआ है, छोटा बैग लेके जाता हूं सीधे श्रीनगर। अभी अपनी रुद्रप्रयाग वाली शॉप पे पहुंच चुका हूं, यहां पे ऑनलाइन सारे काम होते हैं और यहां पे विवेक भाई से मिलते हैं। हेलो विवेक भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो? बाकी दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन काम कराना हो, भैया से आप करा सकते हो, A to Z, फूड रजिस्ट्रेशन हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो, यहाँ पे इतना सारा लिखा हुआ है कि गिनाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी भैया का नंबर दे दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर करें। दोस्तों मेरे घर से श्रीनगर की दूरी 60-70 किलोमीटर दूर है, यहाँ से रुद्रप्रयाग से अभी भी 32-33 किलोमीटर है। चलते चलते माँ धारी देवी मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। बाकी आप सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे, वापिस आते हुए पहाड़ी भाई के साथ हो सके तो मंदिर के दर्शन भी कराएंगे आपको। आसपास के नज़ारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और माँ धारी देवी को चारों धामों की रक्षक कहा जाता है। 2013-14 में जो आपदा आई थी, ऐसा माना जाता है कि माता रानी का मंदिर उठाने की कोशिश की, इस वजह से उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई थी। श्रीनगर यहाँ से ओनली 13 किलोमीटर बचा हुआ है। गाइस अभी श्रीनगर पहुंच चुका हूँ और पहाड़ी भाई हैं गोला मार्केट में, तो यहाँ है गोला मार्केट, यहीं जाता हूँ मैं। पूरा गोल मार्केट होगा तो यहाँ का नाम ही गोला मार्केट पड़ गया। भैया प्रणाम। नाम ठीक हो? कैसा हो? नमस्ते, ठीक हो? कैसा बा, ठीक बा? ठीक, आप बताओ। इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ के दो चक्कर लगा दिए मैंने गोल। हाँ, तो जो आधे घंटे से बीम को बना रखा वो बोलना। दो घंटे बोलो यार। आधा घंटा तेरी इज्जत रख रहा हूँ भाई मैं। वो तो अच्छा वाला रिश्तेदार है यार। हाँ बिठा देता हूँ बस अड्डे पे मेरे को। हाँ घंटे लग गए।
बाय 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 गाइज। ऐसा कोई मेला नहीं है जो इस बार मैंने छोड़ा होगा, और पहाड़ी भाई को भी ले आया मैं अगस्त मुनि मेला नहीं श्रीनगर मेले में। अगस्त मुनि मेले की बहुत याद आती है यार, आप बताओ उत्तरकाशी में तो लगते नहीं है। उत्तरकाशी में एक मेला लगता है माघ मेला, और वो इतना जबरदस्त लगता है, वो लगता है जनवरी में। यहाँ आने का रीजन ये है कि पहाड़ी भाई को यहाँ लड़की पसंद चाहिए। बल कल वाली वीडियो देखा होगा कि लड़की पसंद नहीं आ रही है, तो पिताजी लड़की ढूंढने आ रखे हैं। हमने वादा कर रखा भाई इस बार तो मैं लड़की ढूंढ के आऊंगा। हमने सोचा दोस्त किस काम के, क्या पता हम ही ढूंढ लें। सही बात। तो इनका श्रीनगर आने का रीजन यही है कि एक आध लड़की दिख जाए तो बढ़िया है, हमारे गढ़वाल से भी ले जाओगे। अभी आए हैं गाइस हम सेल्फी पॉइंट पे, अब सभी जगह ऐसी चीजें लगने लग गई है कि आई लव रुद्रप्रयाग, आई लव श्रीनगर, तो सभी लोग यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, हम भी खिंचा लेते हैं एक कार। गाइस जब भी मैं मेले में जाता हूँ तो एक चीज जरूर लेता हूँ, वो है एनर्जी के लिए जूस। ये खा पी के मोटे हो गए हैं इस वजह से इन्हें भी पिला रहा हूँ जूस। क्या हुआ वो भाई, गंदगी वापिस करो। एक जीव की मृत्यु हो रही थी। एक बात तो यार, यहाँ अगस्त मुनि पोखरी और गोचर वाली भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, जिस हिसाब से सेंटर का एरिया है श्रीनगर है, आपने देखो कुछ भी भीड़ नहीं है, यहाँ सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। आप यहाँ देखो यार एंट्री गेट पे कोई है ही नहीं। भाई चलते हैं, मेला बहुत घूम लिया है। यहाँ देखो ट्रिपलिंग कर रहे थे, पुलिस वालों ने रोक लिया, इसीलिए कहते हैं भाई हेलमेट रखें और ट्रिपलिंग ना करें, हेलमेट बहुत जरूरी है। इस श्रीनगर में भी बिल्कुल देहरादून वाला माहौल रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप देहरादून में हो या श्रीनगर में हो, लेकिन धीरे धीरे श्रीनगर भी पूरा देहरादून की तरह बनने वाला है, और देहरादून बनने वाला है दिल्ली मुंबई की तरह, भीड़ ही भीड़ बस। हमने मेले में कुछ खाया नहीं, अब खा रहे हम 2:30 बजे खाना। ये बहुत खाते हैं। ऐसे ही होती है लाइफ, कोई किसी को नहीं पूछता है। देखो भाई इतनी खतरनाक टक्कर मारी एक ट्रक वाले ने और ट्रक वाला भाग गया, उसके बाद सीधे एम्बुलेंस ही आई लेने, किसी ने भी हाथ लगाने को मंजूर नहीं किया, तब तक शायद जान भी चली गई होगी, क्योंकि सबको अपनी अपनी डर है। आजकल का ज़माना ऐसा है जो बचाता है वही फंस जाता है। आजकल के ज़माने में कोई अच्छाई भी करे ना तो सारे बुराई उसके सर पर आ जाती है। मैंने बोला था ना आते टाइम आपको माँ धारी देवी के दर्शन जरूर कराएंगे, और आज पहली बार पहाड़ी भाई पीओ चाय भी दर्शन करेंगे। हमने कहा भाई हमारे रहते हुए आप माता रानी के दर्शन कर लो। तो माँ धारी देवी के मंदिर में आके अलग ही सुकून और शांति मिलती है। आजकल यात्रा चालू नहीं है तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बढ़िया से दर्शन हो चुके हैं। आप लोग भी ऐसे टाइम पे आए जो लोकल के लोग हैं। बाकी जो ये आप नदी देख रहे हो यह है अलकनंदा नदी, जो कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिलके गंगा नदी बनाती है। अभी भाई जी को माता रानी के दर्शन करा दिए, अब सीधे चलते हैं अगस्त मुनि की ओर। जय माँ धारी देवी, चलते हैं गाइस। गाइस अभी अपने डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में पहुंच चुका हूँ, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। मंदाकिनी आती है केदारनाथ से, अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। यह है मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आती है, वो है अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से आती है, और आगे जाके ये अलकनंदा नदी ही कहलाती है। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, और दोनों मिलके बनाती हैं गंगा नदी।
अभी हो रही है पहाड़ी भाई पियो चाय की शॉपिंग हमारे अगस्त मुनि से लोकेश भाई की शॉप से। हमेशा हम इनको शॉपिंग यहीं से कराते हैं, डिस्काउंट अच्छा पड़ जाता है। उत्तराखंड से आता हूँ शॉपिंग करने। हाँ, ये जैसे जा रहा मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं, ऐसे ही पहाड़ी भाई ने यहाँ पे काफी सारी शॉपिंग कर ली है। कल वाली वीडियो में आपको पता लगेगा क्या क्या शॉपिंग की है, कल ही दिखाएंगे आपको। अभी चलते हैं, काफी देर हो गई है, अगस्त मुनि में हमको रात पड़ गई है। तो गाइस पहाड़ी भाई देखो भाई उत्तरकाशी से बिल्कुल भी तैयार होके नहीं आए थे, कपड़े भी इनको यहीं दिलाने पड़ रहे हैं, बाल दाढ़ी इनकी यहीं, लौंडा बन के जाएंगे बल, क्या पता कल कोई लड़की पसंद आ जाए। लग रहा है तुम्हें जिस हिसाब से शकल है काफी हैंडसम है, पर शादी नहीं हो रही है, पंडित जी हो गए भाई, चमक गए हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।